हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका मैं बात कर रहा हूँ लाइफ ऑफ एन ऑफिसर, जो ऑफिसर होता है लाइफ ऑफ ऑफिसर का कैसा होता है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको सबको बोलूंगा कि अगर जो पहली बार आए हैं यूट्यूब चैनल पर उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज इस तरीके का मिलते रहे। क्योंकि मेरे से अच्छा शायद आपको मुझे नहीं लगता है, बींग ए बैंकर मैं आपको जो बात बताऊंगा वो रियल रहेगी और फैक्ट से भरी भी रहेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि जब हम ऑफिसर बन गए हैं या चाहे ऑफिसर बनने वाले हैं, दोनों चीजों में बता रहा हूँ, हम अभी ये एज्यूम कर लेते हैं कि आप ऑफिसर हैं। ठीक है, किसी भी बैंक के हम ऑफिसर, हर बैंक का अलग होता है, थोड़ा सा लाइफ थोड़ा सा चेंजेस होती है, अपार्ट फ्रॉम डेट बहुत सारी चीजें कॉमन ही है, मैं सब उसके ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले हम आते हैं टाइमिंग्स को लेकर। भाई अब ब्रांच में आना है तो कुछ टाइमिंग बंधी हुई होगी, 9:30 बजे आ जाना है आपको हर दिन सुबह। ठीक है, बट ऑफिसर के केस में क्या होता है, कभी कहीं 7 बजता है, कहीं 8 बज रहा है, कहीं 9 भी बज रहा है। ठीक है, समझ रहे बात, टाइम बहुत लगता है बैंक में, जाने का तो टाइम होता है, आने का कोई टाइम नहीं है, ये प्योरली वर्कलोड के ऊपर है। ठीक है, तो समय आपको लगेगा बैंक पे, ये मत सोचिएगा कि घर को 4 बजे 5 बजे आ जाएंगे, ये माइंड के अंदर मत डाल के रखिएगा। 10 to 4 लिखा रहता है ना, ये सिर्फ पब्लिक के लिए, आपके लिए नहीं है, यानी एम्प्लॉय के लिए ये टाइम नहीं है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा बात जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आपका जाने का टाइम तो बहुत ओड हो रहा है। अब हम आते हैं इशू में। ठीक है, सबसे पहला जो इशू है या हम बोले कि जो प्रॉब्लम आप फेस करेंगे लाइफ में, अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, तो आप फैमिली के लिए टाइम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, यानी फैमिली के जो टाइम का इशू आएगा यार, भाई देखो यार ऐसा है कि जो आदमी 9 बजे आएगा वो क्या फैमिली को टाइम दे, कहीं जाना है, कुछ मार्केटिंग करनी है, कहीं घूमने ही जाना है, पिक्चर ही देखना है, या फैमिली को लेके कहीं कुछ जाना है, या कुछ भी करना हो, तो नॉर्मली क्या होता है, दुकान बंद हो जाती है। ठीक है, सिनेमा हॉल से एक होता है जो लेट टेट थोड़ा खुलता है, तो भी क्या होता है 9 बजे 8:30 बजे शो लग जाती है। अब जब पहुंचोगे 9 तो तैयार भी तो होगे, टाइम टेकेंगे कहीं मतलब वो भी नहीं होगा, सब्जी लेना है, मार्केट सब बंद हो जाती है, आप कहीं घूमने नहीं जा सकते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा चीज ये होगी, यानी फैमिली के लिए टाइम देना बड़ा एक कठिन चीज है। ठीक है, पर एक ऑफिसर के एक अपना बेनिफिट्स भी है, वो भी मैं बताता हूँ आपको क्या बेनिफिट्स है। तो एक जो बेनिफिट आपको दिखेगा, सैलरी, तो ऑफिसर की सैलरी हाई है, काफी अच्छी सैलरी मिलती है ऑफिसर को। ठीक है, तो एक चीज आप समझिए, जो भी ऑफिसर है उनकी सैलरी काफी अच्छी है, काफी बढ़िया है। ओके, और ये आप एक मन में बना के चलिएगा ना, तो बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, उसके बाद एक चीज और आप समझ के रखिए, जो मैं यहां बताना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा, कि आपकी सोसाइटी में जो इमेज होती है वो भी बहुत हाई होती है, मतलब हाँ बैंकर हैं क्या, क्योंकि ये सब हम लोग फील करते हैं तो आपको बताते हैं, तो इमेज बहुत हाई है आपकी। ठीक है, और आपकी सैलरी नेचर से बात ज्यादा तो होगी होगी, प्रॉब्लम भी मैंने आपको बताया कि लाइफ पे है तो हाँ इशू आती है, मेरे लाइफ में खासकर फैमिली में कंप्लेन होता है टाइम नहीं देते हैं। एक और कंप्लेन आएगा कि आप जो कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप फिर से टाइम का इशू आ जाएगा, वहां पे टाइम नहीं दे पाएंगे, पढ़ेंगे कहां से, तो टाइम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, उसी तरह का बैंक का जो इंटरनल एग्जाम, जैसे मान लीजिए JIB है, CIB है, ये सब को भी देने के लिए आपके पास एक और इशू आएगा टाइम का। पर एक और बेनिफिट में आते हैं, आप जैसी ऑफिसर हो तो यही ऑफिसर, कभी आज आप ज्वाइन किए हो तो स्केल 1 हो, कल स्केल 2 बनोगे, फिर 3 बनोगे, ऐसे 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 होते जाओगे, लास्ट में आप चेयरमैन तक बनने का चांस है, मैं चांस बोल रहा हूँ, चेयरमैन तक आप बन सकते हो, एक संभावना है, ये भी एक चीज है आपके लाइफ में। ठीक है, हर चीज प्लस माइनस है, आप बैलेंसिंग करके चलना है आपको, आप क्या चीज आपको पसंद है, क्या चीज पसंद नहीं आता है इसमें। ठीक है, तो हर चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो ये सारी चीजें आपको लाइफ में रहेंगी। ठीक है, इसका एक अलग ही मजा है, एक अलग ही चार्म है। ठीक है, सैलरीज हाई है तो आपको थोड़ा घर में टाइम नहीं दे पाएंगे, ये सब सारी इश्यूज तो रहेगी रहेगी। एक चीज बात है, आप कोई घर है आपका, ठीक, कहीं भी रेंट है, रेंट आप जो पे करेंगे वो बैंक पे करती है, कौन पे करता है, ये बैंक। ठीक है, वो बैंक में एक फैसिलिटी होती है जिसका नाम है लीज्ड एकोमोडेशन, तो इसकी हेल्प से बैंक आपको पैसा पे कर देता है। ठीक है, तो यानी घर का भी खर्चा आपका बच गया, तेल बिल हो गया, जैसे मान लेते हैं फ्यूल हो गया, इसका ही पैसा आपको बैंक पे करती है। ठीक है,
आपको मैं बोलूँ क्लिंजिंग हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, वो सारी बैंक यहाँ पे करती है। आप खाली बिल लाओ, जमा करो, पैसा क्लेम, ठीक है? समझ आ रही बात आपको? ये सारी चीजें बेनिफिट्स आपको बता रहा हूँ। तो कुल मिला के बहुत ही बढ़िया लाइफ है इसमें, ठीक है? बहुत बढ़िया है अगर आप एक तरीके से समझते हैं। टाइम को लेकर समझते, टाइम तो नहीं मिलेगा भाई, ये सच्चाई है, ये कड़वा सच्चाई है। जैसे ONGC है, इंडियन ऑयल है, NTPC है, यहाँ क्या 10 बजे जाओ 5 बजे घर के अंदर आ जाओ, तो वो चीज यहाँ नहीं है, ठीक है? ये समझिए। देखिए चलिए, ओके, अब हम इसमें एक चीज और आपको ऐड करते हैं, वो समझिएगा। एक चीज और जो इसमें थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको, वो थोड़ा बताता हूं मैं आपको। समझते हैं हम इसको। अब हम बात करेंगे प्लेस ऑफ पोस्टिंग को। भाई आप ऑफिसर हो तो इसका मतलब हो गया ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल जाएगा, आप नहीं जानते, पूरे भारत में, ठीक है? अब प्रॉब्लम क्या है, मान लो कि मैं तमिलनाडु से हूं, ठीक है, मुझे मिल गया पोस्टिंग बिहार में, मेरी लैंग्वेज है तमिल, ठीक है, बिहार में चलेगा हिंदी, आप फंस गए, चलो से बात लैंग्वेज का तो इश्यू होगा ही होगा। या मैं रिवर्स कर देता हूं, यहां पे मान लीजिए बिहार वाला तमिलनाडु आ गया, हिंदी है, सॉरी उसकी भाषा तो हिंदी है, ठीक है, यहाँ तमिल चलता है, वो मर गया, ये होगा ही होगा प्लेस ऑफ पोस्टिंग में, ये आपके हाथ में नहीं है, ये एक चांस रहता है, ठीक है? मैं इसको बोलूंगा चांस, जरूरी घर किसी के साथ हो, अगर ऐसा हो गया तो आप परेशानी में आ जाएंगे, ठीक है? आपको लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, ये सब थोड़ी इश्यूज होती हैं। अब एक चीज और आई है, अब हम आते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग में, मैंने इसको 4 भाग में बांटा है, ठीक है? मान लीजिए रूरल, अर्बन, मेट्रो, रूलर के बाद सेमी अर्बन कर देते हैं, रूलर सेमी अर्बन, और उसके बाद है अर्बन, और लास्ट में है मेट्रो। देखिए इन दोनों जगह लाइफ अच्छा है, अर्बन का मतलब हो गया बड़ी बड़ी शहरें, और मेट्रो मतलब जानते हैं दिल्ली मुंबई इस तरह का, रूलर का मतलब हो गया गांव, सेमी अर्बन मतलब हो गया वैसी जगह जहाँ पे बस खाने पीने की सामान मिलती है, बेसिक लाइफ है। तो इन दोनों जगह लाइफ थोड़ा डिफिकल्ट है आपका, खास करके रूलर का तो बहुत ही डिफिकल्ट है, सेमी अर्बन भी डिफिकल्टी है, ये इन जगह लाइफ अच्छा है, मैं बोलूँ इजी है, ठीक है? तो ये चीजें हैं जो मेरे को लगा कि आपको जानना चाहिए, आप जब ऑफिसर बने ये सब चीज आपके दिमाग के अंदर पिक्चर में होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थैंक यू।